हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जया बच्चन के ड्रग बयान को हेमा मालिनी का समर्थन, पूरी इंडस्ट्री को निशाना बनाना गलत। जी हां, अब जया बच्चन के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। बता दें कि सुशांत मामले में जब से ड्रग एंगल सामने आया है, इसने पूरी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। जो विवाद पहले सिर्फ एक केस तक सीमित था, अब वो पूरे बॉलीवुड में अपनी पैठ जमा चुका है। बॉलीवुड और उसका ड्रग कनेक्शन एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर सदन तक में जोरदार बहस देखने को मिली। राज्यसभा में जया बच्चन की तरफ से रवि किशन पर निशाना साधना और कहना कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इस बयान ने काफी बवाल कर दिया। कई सेलेब्स अगर जया का सपोर्ट कर रहे हैं तो कई कंगना जैसे सितारे उन्हें आईना भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में हेमा मालिनी भी सामने आई है और हेमा ने जया के विचारों पर अपनी सहमति दिखाई है। उनकी नजरों में कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम होना पड़ रहा है या फिर सभी को ड्रग से जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा ने सिर्फ बॉलीवुड की ही बात क्यों हो रही है ऐसी बातें कही है। उनका कहना है कि कई इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है, हमारी इंडस्ट्री में भी हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी इंडस्ट्री खराब है। जिस तरह बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाकई में अब जिस तरह से जया का साथ देने के लिए हेमा मैदान में आकर खड़ी हुई हैं, उससे तो ये साफ हो चुका है कि ये अपने दौर की जो हसीनाएं हैं ये बिल्कुल एक साथ है। इस वीडियो में इतना ही।